हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिसंबर माह में हुए वीडियो एग्ज़ाम की व उसकी कट ऑफ को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार का जो लेवल था वो पिछली बार से काफ़ी अच्छा था, मतलब इस बार की जो रीजनिंग आई थी वो काफ़ी लेंदी थी। उसके करने के लिए जितना समय मिला था वह पर्याप्त नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। और जनरली आप देखे होंगे कि UP SSC के एग्ज़ाम में इस तरह का पेपर नहीं आया करता है, ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये भी काफ़ी इफेक्ट डालेगा आने वाली कट ऑफ पर। तो जैसे शुरुआत में ही पहले हिंदी थी, फिर रीजनिंग थी, फिर GS था, तो जिन हिंदी ईजी आई थी, तो जिन बच्चों ने पहले हिंदी अटेम्प्ट करा और हिंदी के बाद जिन्होंने तुरंत रीजनिंग अटेम्प्ट करा वो जनरली अच्छे बच्चे होने के बावजूद उसमें उलझ के रह गए और लास्ट तक जाते जाते वो नर्वस हो गए और GS के लिए उनके पास उतना टाइम भी नहीं बचा। तो आइए देखते हैं कि अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल के लिए जाएगी 175 नंबर अगर आपके हैं या 175 से ऊपर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, मतलब यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मगर फिर भी आप सोच सकते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है। OBC के लिए 172, SC के लिए 164 और ST के लिए आप इसमें से 10 नंबर और माइनस कर सकते हैं। बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि पेपर में धांधली हुआ है या लीक हो गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आपने भी जितनी मेहनत करी थी और ये जो कटाप जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, रीड पढ़ रही है, इस सब का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जिनका सिलेक्शन होना है उनका हो चुका है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उम्मीद बनाए रखिए। इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आगे अगर कुछ ऐसा कुछ और नई खबर पता चलती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।